नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो प्रश्न है उसके आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। आपका क्वेश्चन है कि आपका करियर कैसा रहने वाला है, गवर्नमेंट जॉब आपके लगने के योग है या नहीं, बिजनेस किस तरीके का कर सकेंगे और मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है, कब तक होगी। सबसे पहले यहाँ पर हम आपके माइंड लाइन पर बात करेंगे, तो आपकी माइंड लाइन पूरी की पूरी लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट है। बचपन से आपने अपने अनुसार ही अत्यधिक कार्य किया है, एक यह इंडिपेंडेंट नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इस कंडीशन में मेंटली स्ट्रांग देखने को मिलते हैं, बाहरी दुनिया के लिए अपने आप को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट्स, कन्फ्यूज़न या डीप थिंकिंग चलते ही रहता है। आपने इस बात को भी बहुत बार मेंशन किया है कि आप डीप इनसाइड पेन में हैं, तो यहाँ पर ये जो वर्ड भी आ रहा है वो इसीलिए क्योंकि जब माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होती है तो पूरी दुनिया आप जैसे जातक को बहुत मजबूत समझती है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट की और लाइफ में अपने डिज़ायर एम्बिशन को फुलफ़िल करने की बहुत ज़्यादा जद्दोजहद देखने को मिलती है। यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन पूरी की पूरी जुपिटर से जुड़ी हुई है, जो आपको इमोशनल सेंसिटिव तो बना ही रही है। यहाँ पर इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये माइंड लाइन कैसे फ़ायदा देगी आपको। ये माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से अलग होती है तो जितना ज़्यादा लोगों से पूछ के काम करेंगे, दूसरों के अनुसार करेंगे, दुनिया के लिए करेंगे, उतना ज़्यादा नुकसान में जाते जाएंगे, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस उनसे मैच करना या आपके लिए बेनिफिशियल होना बहुत मुश्किल है। आपको गुप्त रूप से काम करना चाहिए और अपने लिए सर्वप्रथम काम करना चाहिए। जैसे अगर आपकी राइटिंग की हैबिट है या इंटरेस्ट है तो 100% आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि माइंड लाइन के ऊपर में बायफोर्क का साइन वैसे भी व्यक्ति को बहुत क्रिएटिव मेंटेलिटी देता है, ग्रेट इमेजिनेशन देता है, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज देता है। और जब मर्करी लाइन क्रॉस हो जाए तो यह कॉम्बिनेशन मल्टी मिलियनर लोगों को बनाता है अपने आर्ट क्रिएशन या पैशन हॉबी इंटरेस्ट के द्वारा। तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं अगर आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको इसमें सोचना नहीं है कि आपको कहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, आपको जो अंदर से आ रहा है वो सब आपको लिखना शुरू कर देना चाहिए। सोशल मीडिया में ब्लॉगिंग एक ऑप्शन बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर अपने राइटिंग हैबिट को आप डाल सकते हैं, उसको आगे चल के बुक में भी पब्लिश आप कर सकते हैं। इससे क्या रहेगा, आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। जो भी व्यक्ति अपने आर्ट पैशन को फॉलो करते हैं जिसमें वो जीरो थॉट प्रोसेस में जाएं, तो माइंड और ज़्यादा कूल काम हो जाता है, जिसके कारण फोकस, डेडिकेशन और डिज़ायर एम्बिशन को पाने की योग्यता बढ़ जाती है। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आप बहुत मजबूत इंसान हैं, क्योंकि जब भी माइंड लाइन ऐसी इंडिपेंडेंट पाई गई है ऐसे इंसान बचपन से मजबूत मानसिकता के अतिरिक्त हो जाते हैं, परिस्थितियों के द्वारा भी हो जाते हैं, मेमोरीज के द्वारा भी या अपने आप से भी। इसलिए इस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन ज़िद्दी बनाता है और अपने ज़िद पर अड़िग रह करके अपने मकाम को हासिल करते हैं। तो इसीलिए आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपकी माइंड लाइन शॉर्ट है तो यह आपको टेक्निकल वर्क, स्किल्ड वर्क बहुत अच्छा देगी, जैसे किसी भी लैंग्वेज के ऊपर पकड़ हो गया या यही जो स्किल्स है इसमें भी पकड़ अच्छी देगी। इस स्किल से आपको लाइफ में अर्निंग एंड नेम फेम बहुत मिलेगा, क्योंकि मर्करी लाइन बहुत धुंधली है अभी, जो बिजनेस लक या सेंस को कमज़ोर दिखा रही है, लेकिन ये लाइन तुरंत स्ट्रांग हो जाएगी जब आप इस विषय पर फोकस देना शुरू करेंगे। सन लाइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज है, बड़ा पोस्ट, बड़ी अथॉरिटी, बड़े लेवल पर वर्क करने की जॉब के अकॉर्डिंग, अदरवाइज नेम फेम रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन पाने की योग्यता अपने क्रिएटिविटी आर्ट के द्वारा आपके जीवन में है। जुपिटर माउंट पर भी हम जैसे देखें तो यहाँ पर भी हमें एक तरीके से हल्का सा बहुत माइन्यूट लेवल पे स्क्वायर का साइन देखने मिलेगा। ये साइन अभी डेवलप प्रॉपरली हुआ नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद हो जाएगा जब आप अपने नॉलेज और विजडम और अपनी योग्यता खासकर बढ़ाते चले जाएंगे। ये साइन आपको टीचिंग लाइन में 100% सफलता दे देने वाला रहेगा। लेकिन सन माउंट के ऊपर में दो कमी है। पहला, ये माउंट दबा हुआ है जिसके कारण खुद पर ही डाउट करना, कॉन्फिडेंस की कमी होना, क्लैरिटीज़ की कमी होना, डिसीजन प्रोमिनेंटली नहीं ले पाना, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होना। दूसरा, जब इधर क्रॉस का साइन अवेलेबल हो जाता है तो जॉब में मन कम लगना या सफलता नहीं मिल पाना, कुछ कुछ नंबरों से रह जाना, जिसका मेंशन भी आपने किया हुआ है, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए या जॉब में स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी के लिए सन का स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आपके पाम में सन लाइन अच्छी है लेकिन क्रॉस के साइन में आ गई है, जिसके कारण आपकी योग्यता या काबिलियत पर ग्रहण लगा हुआ है, या वो दिख नहीं पा रहा है या फिर उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जैसे कि मेहनत आपका क्रेडिट कोई और ले जाएगा, एफर्ट्स आपके रिवॉर्ड अवार्ड कोई और ले जाएगा, एक्सपेक्टेड गेन या सक्सेस जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, आप ही के सजेशन, एडवाइस या नोट्स से दूसरों को लाभ मिलेगा, ऐसे बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर आ जाते हैं, जिससे नाम खराब हो या सफलता कम मिले या फिर देरी से मिले। पिता का यह क्षेत्र है इसलिए पिता से संबंधों में अनबन, मतभेद या दूरियाँ या
एक तरीके से सहयोग कम मिलना, कम उम्र से ही सहयोग मिलना बंद हो जाना, ऐसे इश्यूज यहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इन सारी चीज़ों से आपको नेगेटिव नहीं होना है, इन सारी चीज़ों को समझना है, एक्सेप्ट करना है और मूव ऑन करके रेमेडियल मेजर्स यहाँ पर करने के साथ साथ आगे बढ़ जाना है। आपको कभी भी लाइफ में डीप इनसाइड कोई भी पेन प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि सन की कंडीशन थोड़ी भी ठीक हो गई तो आपके पाम में आउटर मार्स देखिए कितना ज़्यादा बलशाली है, यानी डेवलप है। जब यह डेवलप होता है तो विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना बहुत डट करके करते हैं और जीवन में योद्धा के जैसे रहते हुए तरक्की कर पाने में सक्षम होते हैं। यही रीज़न भी है कि आउटर मार्स से एक हल्की सी रेखा सूर्य की तरफ भी जा रही है, जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, डेडिकेशन लाइन भी कहते हैं। ये रेखा व्यक्ति को मंगल सूर्य की युति में योद्धा सेनापति बनाती है, जिसके कारण अपने संघर्ष मेहनत के द्वारा सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के पात्र भी देखने को मिलते हैं। इन सारी बातों से अलग हट अगर हम भाग्य रेखा के बारे में बात करें तो आपकी भाग्य रेखा जो जागृत हो रही है वो थोड़ी देरी से हो रही है, क्योंकि इसके पहले तक तो हमें कोई भाग्य रेखा दिख नहीं रही है। यहाँ पर ये भाग्य रेखा जो जागृत हो रही है ये 32 और 33 के एज से हो रही है। इस पीरियड से आपको लक का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, करियर में स्टेबिलिटी आएगी, अर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी और ये लक लाइन माइंड लाइन पे हल्की सी ब्रेक ले रही है, फिर अनदर लाइन क्रिएट हो रही है जो प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस कराती है। लेकिन यहाँ पर जब आप सन की रेमेडी करेंगे तो आप इस लाइन में भी पाएंगे कि इसमें कंसिस्टेंसी आ जाएगा, नहीं तो ये सैटर्न तक कनेक्ट कर जाएगा, जिसके कारण आपको सरकारी नौकरी विद इन 2 ईयर्स 100% होता हुआ देखने को मिलेगा। और तब तक यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी डेवलप हो जाएगा। कैसे होगा ये साइन डेवलप, क्या रेमेडीज करना है, ये सब आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस है, बहुत कुछ पाने की योग्यता है, थोड़ा सा और पेशेंस के साथ में एफर्ट्स कंसिस्टेंसी में डालना, आपको सब कुछ मिल जाने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके एक रेखा यहाँ से माइंड लाइन से निकल के पूरा बुध की तरफ गई हुई है। ये क्या दर्शाती है? ये अर्निंग कैपेबिलिटी को दर्शाती है, बिजनेस लक को दर्शाती है, मल्टी टैलेंटेड मल्टीपल स्किल्स को रिप्रेजेंट करती है। आप सोशल मीडिया से रिलेटेड, इंटरनेट या ब्लॉगिंग से रिलेटेड डेफिनेटली अपना वर्क शुरू करें, आपको कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप इसके रिगार्डिंग रिसर्च करना शुरू करें। बहुत सारे कोर्सेज आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, ऐसे भी मिल जाएंगे, वो सब आपको स्टेप बाय स्टेप सारे सिचुएशंस बताएंगे, आप वहाँ पर अपना वर्क शुरू कर दीजिए। आपको इतना मेंटल पीस और इतनी खुशी आना शुरू हो जाएगा जो शायद अभी तक ना ही आए हो, क्योंकि ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हथेली में चाहे कितना ही रेखा खराब क्यों ना हो लेकिन माइंड लाइन स्ट्रांग है या सही कंडीशन में है या पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, तो अपनी मानसिकता बुद्धि बल के ऊपर ये सारी रेखाएं कमज़ोर पड़ जाती हैं, इतना ज़्यादा उन्नति कर जाते हैं, इतनी ज़्यादा सफलता हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करिए, आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम करेंगे, आपका नेचर रहने वाला है, इसलिए मल्टीपल टास्क को इंजॉय करते हुए आप वर्क करिए, स्ट्रेस ओवरथिंकिंग ये सारी चीज़ों से दूर रहिए। कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मबल, ये तीन चीज़ दर्शाता है सूर्य, ये कमज़ोर है, हमें इसको ठीक करना है। गवर्नमेंट जॉब के साथ नेम फेम और क्रेडिटिबिलिटी रिवॉर्ड अवार्ड, जो ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये सब कुछ आपको प्रोमिनेंटली आ सकेगी। स्क्वायर का साइन जैसे ही डेवलप और होता है, अच्छा घर मिलना, अच्छा सोसाइटी में स्टेटस होना, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी एंड स्पिरिचुअल वे में ग्रोथ होना, ये सब कुछ हमें फिर प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। अच्छी बात ये है आपके पाम में कि आपके पाम में स्ट्रेस एंड वरीज लाइन, जिसे हम राहु रेखा कहते हैं, वो कम है, तो लाइफ इतना ज़्यादा अब आगे चल करके झंझटमय नहीं होगा, क्योंकि रुकावट वाली बाधाएं रेखाएं है ही नहीं। अभी तक जीवन में इसलिए भी कुछ प्राप्त नहीं हो पाया क्योंकि भाग्य रेखा ही जागृत नहीं थी, तो मेहनत कर्म हो रहा था, परिणाम नहीं मिल रहा था। अब भाग्य रेखा भी जागृत हो रही है तो ये अपना संपूर्ण असर दिखाएगी, जिसके कारण आपने शायद ही खुशी के आंसू रोए हों, लेकिन वो खुशी के आंसू आपको 2025 तक आते आते देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो लास्ट क्वेरी है वो है मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग। तो देखिए यहाँ यूनियन लाइन के ऊपर में कोई भी हमें स्पेसिफिक लाइन नहीं दिख रहा है, तो किसी तरीके का रिलेशन, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें प्रोमिनेंटली नहीं हो पाए लाइफ में। डायरेक्ट आपका मैरिज ही होने वाला है, वो भी अप्रोक्सीमेटली 33 के एज और उसके पहले तक, यानी अगेन 25 का ही पीरियड ये भी आ रहा है। और लाइफ लाइन के ऊपर भी अगर हम इस चीज़ का जजमेंट लें तो आप देखेंगे कि इसी पीरियड के आसपास से मल्टीपल लाइंस आपकी एक्टिव होती दिखाई दे रही है, जिसे सपोर्टिव लाइन कहते हैं।
ये तकरीबन 33 का ही पीरियड है और इसके बाद आपकी लाइफ लाइन पे एक स्ट्रेस लाइन हल्की सी कटी है 32-3 पे, जो ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। मेजर नेगेटिव लाइन नहीं है ये। उसके बाद की आप लाइफ लाइन देखिए, कोई स्ट्रेस वरीज लाइन नहीं है, यानी ये कितना स्मूथ मेरे लाइफ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैसे भी स्क्वायर का साइन डेवलप होने लगे या जुपिटर माउंट डेवलप हो, शुक्र माउंट डेवलप हो, बहुत अच्छे पार्टनर मिलते हैं, लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड। लक बहुत अच्छा मिलता है, कंफर्टेबिलिटी बढ़ती है, शुक्र अच्छा होने के कारण लग्जरीज, रॉयल्टीज लाइफ में बढ़ती है, जुपिटर अच्छा होने के कारण फैमिली आगे बढ़ती है पीसफुली। तो ये सब कुछ चीज़ आपके लाइफ में एकाएक आने वाला है, इसीलिए बात की गई खुशी के आंसू की। लेफ्ट पाम में भी यही इंडिकेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो थोड़ा फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देती है, चुस्ती स्फूर्ति में काम करने की आदत देती है, पेशेंस की थोड़ी कमी पाई जाती है, पर उससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि आपके जितने भी फिंगर्स हैं वो सब एक तरीके से डेवलप ज़्यादा है, उनकी विथ ज़्यादा है। जब फिंगर की विथ ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को एडजस्टिंग नेचर देता है, समय परिस्थिति के साथ अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर पाते हैं, फ्रेंडली फ्रैंकली नेचर देता है और बोलचाल की कला में माहिर भी बनाता है। इस कारण से जो लिटिल फिंगर के नेगेटिव इंडिकेशन थे, क्योंकि ये जब शॉर्ट होता है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम देता है, जैसे बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, समय पर निर्णय नहीं ले पाना या बात नहीं कह पाना, ऐसे इश्यूज़ आते हैं। ये इश्यूज़ मेजरली अब आपको लाइफ में देखने को नहीं मिलेगा। और आप का जैसे ही सन की कंडीशन अच्छी होती है तो जो कॉन्फिडेंस आने लगेगा वो आपके कम्युनिकेशन में, राइटिंग्स में, नॉलेज शो करने में बहुत ईजिली दिखने लगेगा। और यही चीज़ होने के साथ साथ आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यहाँ क्लियर कर जाएंगे या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी इवन टॉप पोजिशन अथॉरिटीज़ पर वर्क करेंगे। ये कपल ऑफ ईयर्स की ही बात रहेगी आपके जीवन में। अब थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा होती है तो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के ही हाथ में पाया जाता है जो लोग संघर्ष से बहुत ज़्यादा ऊपर उठते हैं, जिनको पका पकाए जीवन में कुछ नहीं मिलता, सब खुद के दम से हासिल करना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को सूचित कर रहा है कि आप जितना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल जोन में रहें, जितना ज़्यादा लाइफ में रिस्क लेते जाएँ, मेहनत करते जाएँ, आपको नेम, फेम, सक्सेस कहीं ना कहीं से दौड़ के खुद आएगा। और वो चीज़ अभी दिख भी रहा है क्योंकि सन की कंडीशन थोड़ी बेटर हो गई, थर्ड फिंगर डेवलप है ही, ऑटोमेटिकली आपको नेम, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, पोजीशन, पावर, ये सब कुछ चीज़ें देखने को मिल जाएगा। थोड़ा यूनिक वे में काम करने की आदत को ये बढ़ावा देता है। फर्स्ट और सेकंड फिंगर जब भी मर्ज हो तो यह कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअल एक्टिव करवाता है, आध्यात्मिक उन्नति अच्छी हो जाती है। फिंगर के ऊपर हमें सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी देखने मिल रही है, जो अगेन बहुत फ्रेंडली नेचर देता है, सबसे संबंध अच्छे रखते हैं, सबको अपना मानते हैं, सबके लिए डिवोशन, डेडिकेशन आ जाता है। एक बार कहीं अगर आप इमोशन आपका कनेक्ट हो गया तो आप बहुत ही ऑनेस्टी, लॉयल्टी वहाँ पर निभाने वालों में से रहेंगे। फिंगर के नोट्स यहाँ पर डेवलप ठीक जा रहे हैं, थोड़े थोड़े यहाँ पर जैसे हल्की हल्की रेखाएं हैं ही, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट दे ही देता है, जिसके कारण पूछ के काम करने की आदत को बढ़ावा देता है। ये आपके माइंड के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, इसीलिए शुरुआत में कहा गया कि गुप्त रूप से अपने अनुसार और अपने वेलफेयर के लिए पहले वर्क करें, देन आफ्टर अपने डिज़ायर, एम्बिशन, गोल या सोसाइटी के लिए वर्क करें। फैलेंजेस और इंटरनल मार्स की स्थिति में देखा जाए तो इंटरनल मार्स हल्का सा दब रहा है, आपका फिजिकल वर्क कहीं ना कहीं कम हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए तो फिजिकल एबिलिटी बढ़ेगी, तो उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इश्यूज फिर लाइफ में अभी भी कोई ऐसे नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है, लेकिन वैसे भी यह आपके एक्टिवनेस के लिए अच्छा रहेगा और हेल्थ इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजंस या नेचर रखना, रात गई बात गई, जल्दी मूव ऑन या लेट गो चीज़ों से भी कर पाना, कंसिस्टेंसी का एक इशू यह देता है, लगातार काम नहीं कर पाते। एक बार उठ के 10 काम करेंगे लेकिन एक ही रूटीन में लगातार वर्क करना थोड़ा इस थंब के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि यह थंब बहुत जल्दी अपने डिसीजंस, प्लानिंग्स, इमोशंस में फ्लक्चुएशन लेकर के आता है। इसमें प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा होने नहीं वाला है, ये चीज़ एक तरीके से सही भी है क्योंकि रात गई बात गई, पुरानी बातें भूल, आगे जो बढ़ जाते हैं उसके लिए सही है, लेकिन करियर में ये क्या करता है या फिर एफर्ट्स में, जितनी एनर्जी के साथ आप शुरुआत में जाते हैं एंड में उतनी एनर्जी आपकी नहीं रह पाती है।
इसी कारण से कंसिस्टेंसी का इशू आता है। तो अपने आप को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना या एटलीस्ट कंसिस्टेंसी फॉलो करने के पीछे ज़्यादा जोर देना आपके ये थंब की एनर्जी को इनक्रीज़ करेगा। डिसीजन मेकिंग स्किल्स हुआ, मेजर प्लानिंग्स या रिस्क लेना हुआ, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ही, मेमोरी भी बहुत शार्प होगा और लाइफ में जो चाहेंगे वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि इधर पे भी यव का साइन डेवलप होना शुरू हो ही रहा है, तो मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों आपकी लाइफ में बढ़ सकेगी। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, अनदर पाम पिक में ये और क्लियरली दिखेगा। तो शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से हो पाता है। शुक्र डेवलप है, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व देगा। रईसियत जीवन में आपके निश्चित रूप से आएगी। शादी के तत्पश्चात सुख सुविधा संसाधन बढ़ने लगेगा। हाइजीन, खुद को मेंटेन रखना, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होना और लविंग टाइप का पर्सनैलिटी और अपने लव को प्रॉपरली एक्सप्रेस भी करना, ये आपके नेचर में है। चंद्र डेवलप है तो यूनिक थॉट्स, नए नए तरह के थॉट्स, आइडियाज़, क्रिएटिविटी, आर्ट, नए नए जगह विजिट करना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना। आउटर मास यानी मेंटली स्ट्रांग रहना, प्रेशराइज स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कूल कामली रिएक्ट करना या वर्क करना, हैंडल कितना भी ख़राब सिचुएशन हो उसको करने की कैपेबिलिटी ये मार्स आपको दे रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और गौर करिए आप कि आपके अनदर पाम पिक में भी मर्करी लाइन डेवलप होता दिख रहा है, पर ये धुंधला बहुत है। मर्करी लाइन आपके स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन को दर्शाती है। आपने अपने टैलेंट को दबा रखा है या इस पर कभी ध्यान नहीं दिया अच्छे से, उस पर ध्यान दीजिए, उभारिए, लोगों के सामने लाइए। लोगों के सामने नहीं आ पा रहा है तो एटलीस्ट सोशल मीडिया का सहारा लीजिए। ये लाइन मजबूत होना शुरू हो जाएगी और इस लाइन के बदौलत आपको पैसा और सम्मान सब कुछ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। ये रेखा अभी कमज़ोर है, इसीलिए अभी आपको कुछ नहीं पता कि क्या करना है कैसे करना है। जैसे जैसे स्ट्रांग होगी अपने आप मार्ग बनते जाएंगे। जुपिटर माउंट पहली बात तो डेवलप आपके ठीक हैं, एरिया बहुत कम ले रहे हैं, तो आपका सक्सेस आफ्टर मैरिज यह इंडिकेट कर रहा है। लेकिन मैरिज के पहले की लाइफ को, ये फैमिली लाइफ को डिस्टर्बिंग ज़्यादा या नेगेटिव मेमोरीज के अतिरिक्त ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। जुपिटर पे इस तरह की आड़ी रेखा दयालु बहुत बनाती है, इसलिए किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाएगा। खुद से जितना बन सके आप सहयोग करने वालों में से देखने को मिलेंगे। और स्पिरिचुअली ऑकल्ट साइंस, रहस्यमय विद्याएं, सोशल वर्क, इन सारी चीज़ों में आपका आगे चल के एंगेजमेंट बढ़ेगा। माइंड लाइन जब भी जुपिटर से शुरू होती है तो एम्बिशियस डेफिनेटली बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच माइंड सेट रखती है, इसीलिए कभी भी अपनी मेंटेलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना आपके लिए नुकसानदायक ज़्यादा रहेगा। शनि की स्थिति में शनि पर्वत जब दबा हुआ हो तो मटेरियलिज्म की तरफ ज़्यादा ध्यान चल जाता है। शुक्र भी डेवलप है तो आपका सुख सुविधा शौक पूर्ण करने पर ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा और ये हो भी जाएगा, क्योंकि ऊपर से शनि के क्षेत्र में ऊपर से जब रेखा आती है तो ये अपॉर्चुनिटीज़ एंड लक को लेकर के आती है। और यहाँ पर इनके साइंस लाइंस ज़्यादा मजबूत हुआ जिससे स्क्वायर बन गया या रेक्टेंगल, तो सिक्योरिटी दे देगा पैसों और करियर के रिगार्डिंग आपके लाइफ में। अभी क्या है कि अभी जैसे लक लाइन में हमने देखा कभी माइंड लाइन कभी हार्ट लाइन के पहले रुक रहा है, तो दिमाग कुछ और बोलता है, भावनाएं में बह करके कुछ और काम कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने करियर, वर्क, एथिक्स, जॉब, इन सबको वैल्यूज ज़्यादा नहीं दे पाते। इसी को वैल्यू देना है तो ये लक लाइन डेफिनेटली स्ट्रांग और हो जाएगा। तो एक झटके में एक बार में काम होते आपके दिखेंगे। सूर्य की रेखा आपकी है बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है, क्योंकि इतनी लंबी सूर्य रेखा अगर जॉइंट हो जाए या जॉइंट ना भी हो, क्रॉस का साइन ही हट जाए या फिर ये माउंट डेवलप हो जाए, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत दूर दूर तक नाम फैलाता है, इतना बड़ा पद या सम्मान देता है कि अच्छे अच्छों को चेयर से उठ के सलाम देना पड़ता है, क्योंकि सन व्यक्ति को सिंहासन देता है, सम्मान देता है। सूर्य पहले तपाते हैं फिर उसके बाद इतनी चमक देते हैं कि दूर दूर तक चमक फैले। उसके लिए जो भी आपने जीवन में अभी तक संघर्ष किया वो बेफिजूल का नहीं गया है, सबका सुखद परिणाम आएगा। बस हमें थोड़े टर्म्स कंडीशन और इसके ठीक करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपका ये पामिस्ट्री कराने का भी कोई फ़ायदा नहीं निकल पाएगा अगर आपने सन पे ध्यान ना दिया। बीच में जब शनि सूर्य की ये रेखा होती है, विद्या रेखा कहते हैं, हमेशा अपना आप देखिए, आपका नॉलेज, एडवाइस, गाइडेंस, सपोर्ट या मेंटेलिटी बहुत लोगों के काम आएगा। इसीलिए कहा गया आपको कि आपके नोट से भी दूसरे लोगों को लाभ है लेकिन आपको कम है, क्योंकि विद्या रेखा में आप अपने लिए फ़ायदा कम दूसरों के लिए ज़्यादा पहुँचा रहे हैं। इस कंडीशन में एज अ टीचर भी बहुत ग्रोथ है आप जैसे जातक कर पाते हैं, क्योंकि उसमें भी ज्ञान का उपयोग हो रहा है और इन रिटर्न आपको करियर
बिल्ड हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, आप इवन किसी के साथ जुड़ भी जाएं तो भी उनको लाभ मिलेगा, लेकिन आपको नाम या सम्मान मिलना मुश्किल रहेगा तब तक जब तक क्रॉस है। बायफोर का साइन रईस बनाता है, इसे यशस्वी योग कहते हैं। बच्चे बहुत भाग्यशाली निकलते हैं, बच्चों से भाग्य भी बहुत अच्छा आता है, कम्युनिकेशन या कॉन्टेक्ट्स के थ्रू डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ मिल जाता है, इतना बड़ा एम्पायर या कार्य कर पाते हैं लाइफ में कि दूसरों को एज ए एम्प्लॉय भी रख सकें अगर बिजनेस कर रहे हैं तो। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे घर का सुख, बहुत अच्छी जीवन शैली और सुख सुविधा युक्त संसाधन सब कुछ जीवन में पर्याप्त मात्रा में देता है। मरकरी माउंट के ऊपर में छोटी छोटी रेखाएं होना मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को बढ़ावा देने लगता है। इस चीज़ का अधिक से अधिक उपयोग करिए, यह आपके नेचर पर्सनैलिटी को बहुत सूट करेगा और ओवरऑल आपको जो बिजनेस लक है उसको भी इन्हेंस करने में मदद करेगा। हार्ड लाइन के एंड में जब इस तरह की रेखा हो तो डिवोटेड टाइप का नेचर आता है और हार्ड लाइन में एक शाखा मंगल की तरफ झुकी है, एक शाखा जुपिटर पर सीधे जा रही है और एक शाखा ऊपर की तरफ। यह कॉम्बिनेशन मांगलिक योग का निर्माण करता है, इसलिए कुंडली मिलान करके मैरिज करने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह बात वास्तविक स्थिति में सही है कि अगर 29-30 की उम्र हो जाए तो इस चीज़ का ज़्यादा दोष नहीं लगता है। दूसरा, जब सीधे रेखा जाए तो जितना ज़्यादा आप अपने काम में एंगेज रहें या अपने आप को बिजी रखें उतना ज़्यादा आपको इमोशन बैलेंस और मेंटल डिस्टर्बेंस ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि इस तरह की रेखा वर्कोहोलिक बनाती है, इसलिए अपने आप को व्यस्त रखना ज़रूरी पड़ता है। ऊपर जाने वाली रेखा इमोशनल सेंटिमेंटल लविंग केयरिंग बनाती है, आप जैसे जहाँ तक लिमिट ही नहीं लगा पाते कि इसके लिए कितना करना है, इतना मतलब अपना नुकसान करके दूसरों का काम करते हुए पाए जाते हैं। बहुत लोगों मतलब बहुत लक्की वो लोग होते हैं जो आप जैसे जातकों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि उनको आपसे बहुत लाभ मिलेगा, भले ही कुछ ना हो तो भी लाभ मिल जाता है, क्योंकि आप जैसे जातक जितना इमोशंस की वैल्यू करते इतना नॉर्मली दूसरे नहीं कर पाते हैं। तो ये मल्टीपल इमोशंस दे रहा है बेसिकली आपको, इसको ऑर्गेनाइज करके आपको रखना पड़ेगा। शिव जी की आराधना से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। त्रिशूल का चिन्ह किसी भी रूप में बनता है हथेली में, तो ईष्ट देव शिव जी के अधीन में ही होते हैं और उनसे एक बहुत डीप इनर कनेक्शन फील भी हो जाएगा आपको। उनकी आराधना से सबसे पहले मन व चित्त शांत होता है, बुद्धि तीव्र होने लगती है, ध्यान नहीं भटकता है, मार्ग दिखने लगते हैं या बनने लगते हैं और परिणाम फिर कर्म से अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है, वो माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट हो तो क्यूरियोसिटी, एडवेंचरस लवर, सुन भले सबके लेना लेकिन करना अपने मन मुताबिक, अपने जिद पर अड़िग रहना और थोड़ा सा केयरलेस टाइप का नेचर, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो ये करना है यानी अपना जिद पूरा करना है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल आपको रखना ज़रूरी है, जो सन से ही आता है। सन जब भी वीक होता है तो छोटी मोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कराना शुरू करता है, बचना है अपनी मेंटेलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए बचना है। बाकी बायफोर का साइन आपको दुनियादारी के सारे हिसाब किताब सिखाने वाला है, कैसे किसको चलाना है। जितना बुद्धि का आप उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे, जितना इमोशंस का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा लाइफ में कहीं ना कहीं अपने विजन गोल को खोते जाएंगे। इसलिए किसी को भी कम ज़्यादा यूज़ मत करिए, बैलेंस यूज़ करिए। अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एजुकेशन, नॉलेज ये सारी चीज़ें तो बढ़ाना है ही, लेकिन वह सभी काम करना जो आपको जीरो थॉट्स पे ले जाए, स्ट्रेस फ्री रखे यानी। और कोई स्ट्रेस वरीज लाइन नहीं है, इसलिए आगे चल के आपकी लाइफ मेंटली हैप्पी पीसफुली रन होने वाला रहेगा। लाइफ लाइन में 1, 2 ये तीन मेजर राहु रेखा दिख रही है, जिन्होंने आपकी लाइफ में 31 और 2 जो अभी का पीरियड है जिसमें अननेसेसरीली स्ट्रेसेस हैं, फैमिली के रिगार्डिंग भी है, इसके पहले 27 और 8 और उसके भी पहले अराउंड 24 और 5 मेजरली इस एजेस में आपको वरीज ज़्यादा आया है और अपने एफर्ट्स से आपने अपने लाइफ में सक्सेस भी पाया है, वो उसको यह सेल्फ मेड लक लाइन इंडिकेट कर रही है, जो अप्रोक्सीमेटली 30 और 31 के बाद अपने इनिशिएशन से थोड़ा लाभ और फिर वापस से 38 तक आते आते फिर और बड़ा लाभ। और लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम होते हुए शुक्र से हल्का सा कनेक्ट हो रहा है इस रेखा के द्वारा, तो पार्टनर आपके काम में आपकी मदद भी करेंगे, आपकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी और शुक्र को अच्छा खासा बल मिलने के कारण अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी और सारे प्लेजर के फुलफिलमेंट होने के साथ साथ हैप्पीनेस, पीसफुलनेस लाइफ में आपके आएगी, वरीज बहुत ख़त्म हो जाएगा।
केतु की स्थिति बिल्कुल सम है, चंद्र की स्थिति भी ठीक है। जितना अच्छा बोले सुने देखें और शिव जी की आराधना करें तो मनोवांछित फल मिलना भी प्रारंभ हो जाएगा। एक कमी यह है कि चाहे लाख रुपए भी क्यों ना हाथ में हो, कब कैसे खत्म होगा नहीं पता चलेगा, मनी ट्रायंगल पूरा ओपन है। इसलिए इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देना या पैसा कम रखना आपके लिए मनी को कहीं ना कहीं यूटिलाइज प्रॉपरली करवा सकेगा। ये है आपका पाम का अनदर पिक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मरकरी लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विकसित हो रही है, और अगर ये स्ट्रांग हो गई, ये ट्रायंगल का साइन बन गया और प्रोमिनेंटली इधर बन गया, तो आप पाएंगे कि पैसा, समृद्धि और मेंटल सिक्योरिटीज़, ये सब कुछ बढ़ेगा। इसके बाद में चंद्र की आड़ी रेखा मन विचलित रखती है। चंद्र तब भी आपके विकसित अच्छे हैं, इसीलिए जो तीन उपाय इसमें बताए गए हैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन आप रखिएगा। बाकी लाइफ लाइन का फ्लो ठीक है, शुक्र पे ज़्यादा वरीज लाइन भी नहीं है। और यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल छोटे स्तर पर आपको ये दिखेगा इस जगह पर कि जब ये वरीज लाइन जा रही हैं उसके जस्ट बाद में छोटे छोटे ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आने शुरू हो रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन जो होते हैं ये ट्रायंगल के, ये प्रॉपर्टी डेवलप कराते हैं, सिक्योरिटीज़ देते हैं। ये सब इवेंट आपके लाइफ में 34-36 के एज तक होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ जो प्रिडिक्ट किया आलिशान घर का, सो कि ये कपल ऑफ ईयर्स में देखने मिलेगा 25 के बाद से कंटिन्यूस प्रोग्रेस आपके लाइफ में। और लेफ्ट पाम में देखिए तो यहाँ माइंड लाइन बाय फोर्क है, डिक्लाइन है, इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। इधर पर स्क्वायर का साइन बिल्ड है, हो रहा है, थोड़ा सा कमी है इस स्क्वायर में, हल्का सा इस जगह पे, अदरवाइज़ ये स्क्वायर तकरीबन कंप्लीट है, लेकिन माउंट वीक है, इसी को हमको डेवलप करना है। ये सिक्योरिटी पूरी दे रहा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब हो, सिक्योर्ड जॉब हो। और यहाँ पर भी माइंड लाइन देखिए इंडिपेंडेंट है, तो जो चीज ठानी है वो करके ही दिखाया है, इसीलिए आप अपने जिद पर भरोसा रखें। आपकी जो फर्स्ट फिंगर है यहाँ पर, किसी भी कारणवश ये छोटी जब ज़्यादा हो जाती है तो बहुत मतलब ना चाहते हुए भी दूसरों के बात या कहने में आते हैं या ना नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा इस कंडीशन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना चाहिए, तो ये आपके पर्सनल वेलफेयर के लिए अच्छा रहेगा। बाकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका अच्छा रहने वाला है, और फॉरेन ट्रैवलिंग भी आपकी फ्यूचर में अच्छी खासी होने के योग हैं, क्योंकि यहाँ पर मून लक लाइन का कनेक्शन भी है। और चंद्र जब डेवलप होता है तो वैसे भी देश विदेश या देश में ही अलग अलग जगह की यात्राएं होती रहती हैं। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।